चुनाव परिणाम पर कांग्रेस अध्यक्ष का आया बड़ा बयान, मचा बवाल। विधान परिषद चुनाव के परिणामों के बाद अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बिहार विधान परिषद चुनाव की 24 सीटों में हुए चुनाव के बाद एनडीए को 13 सीटें, राजद को 6 सीटें, निर्दलीय 4 और कांग्रेस के एक उम्मीदवार की जीत हुई है। इस जीत के बाद एनडीए में बीजेपी बड़ी पार्टी बनी, उसे 7 सीटों पर जीत मिली है। वहीं जदयू को 5 सीटों पर विजय मिली है, जबकि सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली है। इस चुनाव में राजद का प्रदर्शन अच्छा रहा और उसे 5 सीटें मिली है। बिहार विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस ने बेगूसराय सीट पर जीत हासिल की है, वहीं एक सीट पूर्वी चंपारण में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। इन नतीजों के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झांग ने कहा कि हमारा प्रदर्शन और अच्छा हो सकता था। लालू प्रसाद यादव से जिस प्रकार से हमारी बातचीत हो रही थी, अगर उस प्रकार से चुनाव लड़ा जाता तो राजद और कांग्रेस मिलकर 13 से 14 सीटों पर जीत हासिल कर सकते थे, लेकिन हमें अकेले लड़ना पड़ा। ऐसे में हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। उन्होंने कहा कि हमने 5 से 6 सीटों पर तैयारी की थी, लेकिन गठबंधन नहीं होने से हमें घाटा हुआ और एनडीए को इसका लाभ मिला है।